कुछ मुस्लिम युवक भोपाल के बैरसिया में हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। इस मसले पर बैरसिया के लोग सड़कों पर उतर आए। बड़े जन समुदाय ने ब्लैकमेलर मुस्लिम लड़कों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की मांग की। लोग इन छिछोरे लड़कों से इस कदर नाराज थे कि व्यवस्था संभालने के लिए कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को गाड़ी के बोनट पर खड़े होकर लोगों को समझाना पड़ा। कलेक्टर ने लोगों से कहा, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भोपाल के बैरसिया में कुछ मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल कर रहे थे। इस घटना के सामने आने से बैरसिया के लोग आक्रोशित होकर सड़कों पर उतर आए। लोगों ने हिंदू संगठनों के साथ नारेबाजी करते हुए प्रशासन को हिलाकर रख दिया और पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई कि कुछ लड़के नाबालिग बच्चियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फोटो और चैटिंग के जरिए ब्लैकमेल कर रहे हैं और आरोपी बच्चियों के अलावा उनके परिजनों को भी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। बैरसिया सिर्फ आंदोलनकारियों की भीड़ देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह को खुद मौके पर मोर्चा संभालना पड़ा। भारी भीड़ के बीच कलेक्टर गाड़ी के बोनट पर चढ़ गए और लोगों से कहा कि दोषियों को ऐसी सजा दी जाएगी कि कोई और ऐसी हिमाकत नहीं कर पाएगा। ये करेंगे कि दोबारा कोई इस तरीके का कोई अपराध और घटना कारित न कर पाए, ठीक है, दोबारा कोई भी अपराध और घटना कारित न करे। जो गुमटियां वगैरह है वो भी हम लोग हटाने जा रहे हैं, पूरे हटा देंगे तत्काल, ठीक है। हट गई गुमटियां, हट गई बता रहे हैं आप लोगों के कहने से, ठीक है। आपकी भावनाओं के साथ हम लोग जो है जुड़े हुए हैं, इसलिए आप लोग यहाँ से जो है बैरसिया नगर में असामाजिक तत्वों द्वारा लो जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, एकदम ठीक है। उक्त घटना के संबंध में निम्न निवेदन है, आरोपियों पर उचित कार्रवाई कर चोपड़ा बाजार बैरसिया थाने तक जुलूस निकाला जाए। दूसरा पॉइंट क्या है, आरोपियों पर रासुका के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। जो भी लोग इस घटना में लापरवाही और कर रहे हैं उन पे कार्रवाई हो। जो लोग गिरोह के रूप में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो बड़ा गिरोह है, उसका पर्दाफाश किया जाए। और तीसरा, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए और मोबाइल का जो डेटा डिलीट किया गया है उसको तत्काल रिकवर करके जिन लोगों की मदद से किया गया उन पे कार्रवाई की जाए। और तो आप लोग देखिए, इसमें 5-6 बातें आई निकलकर, बहुत ही आप लोगों ने दिया। इसमें पहली बात इसमें ये आई है कि लोगों पर कार्रवाई की जाए जो लोग भी दोषी हैं। तो जो पहला पॉइंट आपने लिखा है कि आरोपियों पर जितने भी गिरोह के रूप में आरोपी हैं, मतलब 2 हैं 4 हैं 5 हैं 6 हैं, अब सबसे पहले इसको हम 2 तरीके से रिकवर कर लेंगे। एक तो मोबाइल में जितने लोगों के लिंक मोबाइल नंबर उससे कनेक्ट होंगे, अभी हम बैठ के उन सब लोगों को रिकवर करके सभी लोगों को बनाएंगे उसमें आरोपी। दूसरी बात जो आप लोगों ने कही है कि जुलूस भी निकालेंगे, तो जो लोग उसमें और आएंगे सब लोगों को एकदम ऐसा करेंगे कि कोई दोबारा जो है इस तरीके की हरकत करने के साथ न करे। इस मामले में शुरू में पुलिस का रवैया भी ढीला ढाला रहा, लेकिन जब पुलिस को जन आक्रोश का सामना करना पड़ा तो पुलिस भी एक्टिव हो गई। SDOP आनंद कलादगी ने बताया कि अभी तक 2 लड़कों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। आज सुबह बैरसिया थाने में एक सूचना मिला था, अन्य समुदाय के कुछ लड़के लोगों ने नाबालिग लड़कियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में प्रताड़ना कर रहे, बेसिकली स्नैपचैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू लड़कियों के साथ लगातार मैसेज करना और मैसेज के थ्रू प्रताड़न करना और फोटो वायरल करने का भी उन्होंने प्रताड़ना करने का हमको सूचना मिला था। और उसके साथ उन्होंने परिवार के साथ भी प्रताड़ना की है फोटो वायरल करने का, ब्लैकमेल करने के लिए। उसके संज्ञान में लेते हुए हमने आज एक लड़के को आज कस्टडी में ले लिया और उसके खिलाफ हमने आज बैरसिया थाने में अपराध कायम कर लिए। सेक्शन 78 सब+1 और 119 सब+1 BNS के अंतर्गत और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ हमने आज कार्रवाई कर ली और एक लड़के को कस्टडी में ले लिया। और बाकी लड़के लोग किस किस ने प्रताड़ना किया है उनका तलाशी में है और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी दो लड़के का हमारे पास नाम आया है और एक लड़के के खिलाफ हम ऑलरेडी कार्रवाई कर लिया है, उनके खिलाफ ऑलरेडी मुकदमा कायमी है और बाकी एक लड़के का हम तलाशी कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर लेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।